हाय गाइस, वेलकम टू ट्रैवलिंग मंचीज़। आज हम फिर से आंध्रा मील ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम आंध्रा मील का वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि अब हम नेक्स्ट आंध्रा मील कहाँ का बनाने वाले हैं। आंध्रा मील की बात आती है ना, तो नागार्जुना का नाम आता ही आता है। आज हमने वहीं से खाना मंगाया हुआ है, तो आज चलिए मिल के देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या स्पेशल है, इसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं और इसका टोटल प्राइस क्या है। इज़ इट रियली वर्थ? अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारी है। पैकिंग तो बहुत सही दिख रही है नहीं? पापड़, हमने आज एक्स्ट्रा पापड़ भी ऑर्डर किया था। वाओ, बॉक्सेस देखो भाई। हंड्रेड में से 100 नंबर मिलने वाला है पैकेजिंग में और लुक में। अब टेस्ट हम करके देखते हैं कैसा बना है। पैकिंग हमारी अब ओपन हो चुकी है और खाना आप लोग देख ही लो, देखने में ही एकदम लाजवाब लग रहा है। ऐसे ही नाम नहीं हो जाता है भाई ब्रांड्स का। एक ही चीज़ जो मुझे मिस लगी ना, वो मुझे लगा कि इसमें आलू फ्राइज़ नहीं आए, आलू के फ्राइज़ या भिंडी फ्राई। वो आंध्रा मील की एक स्पेशलिटी रहती है, राइट श्रेय? बाकी तो सारा आइटम ऐसा दिख रहा है ना, मेरा तो मन ये चटनी पे भी गया हुआ है। भगवान जाने किसकी चटनी है, बट रुकने का तो बनता ही नहीं है, मैं तो खा रही हूँ। हमने ना, हमें आंध्रा मील में ना ज़्यादा घी पसंद आता है, तो हमने एक्स्ट्रा घी भी गरम करके रख लिया है खुद से। कैबेज की चटनी है भाई, वाओ, बहुत ज़ोरदार बनी है। खट्टी तीखी भी है। चटनी चटनी से खाना है ये तो सोच लिया, लेकिन ये भूल गई कि चटनी है, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, एकदम तीखा बना है बहुत ज़्यादा। आंध्रा मील में ना मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड दाल के लिए ही रहती हूँ। ये जो दाल है ना, ये एकदम काफ़ी मतलब साधारण है, बहुत ज़्यादा इसमें तीखापन नहीं है, और हल्का सा खटास के लिए आई थिंक टैमरिंड डाला हुआ है। एज यूजुअल दाल स्वाद में लाजवाब है और तीखेपन के लिए तो मिर्ची है ही। हम लोगों ने ना ये स्विगी से ऑर्डर करा था, क्योंकि हमारी लोकेशन से ना ये बहुत दूर है और पापड़ तक इनके सीले नहीं पहुंचे हैं, एकदम क्रिस्पी हैं अभी भी। आवाज आई? अरे श्रेय, देखो देखो, बंदर बंदर भी आ गए हमारा खाने को देख के। इसकी इतनी जबरदस्त खुशबू है ना, वो भी बंदर को भी खींच के लेके आ गई है। चार पांच लोग आराम से खा सकते हैं, इतना सारा तो चावल आया है। इसका प्राइस कितना है चार पांच लोगों के लिए, वो जानने के लिए आपको एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा। मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ अपना हमेशा की तरह पोड़ी के साथ। देखिए, निशु ने आधा घी तो ऐसे ही खत्म कर दिया, मेरे लिए थोड़ा सा ही बचा है। मस्त घी और पोड़ी। आप लोग को लग रहा है कि ये कोई तरीका है खाने का, तो आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिए, आप लोगों को भी बड़ा मजा आएगा। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए दी हुई है, घी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब चलो, मेरा श्री गणेश हो चुका है, तो अब खाया जाए सांभर। इसके साथ देखिए प्याज और मूली। मस्त दादा सांभर लगा के खाइए, खूब क्वांटिटी दी हुई है इन लोगों ने। नाम बड़े और दर्शन भी बड़े ही हैं। वाह, ज़्यादातर आंध्रा मील्स में ना सांबर और रसम तो ऐसे ही दे दिया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन भाई इसकी अपनी बात है, हो सकता है कि ये दाल को भी पीछे छोड़ दे। इस मील में मेरा न्यू फेवरेट ये चटनी यार, आई डोंट लाइक कैबेज एक्चुअली, मुझे कैबेज की चटनी बड़ी अच्छी है, इसीलिए तो मैंने उससे स्टार्ट किया था आज, वरना तो मेरा पप्पू होता है हमेशा स्टार्ट करने के लिए। इस बार मैंने कहा कि बड़ी सुंदर दिख भी रही थी, बहुत अच्छी।
वन ऑफ माई फेवरेट रसम। अगर कोई भी साउथ इंडियन मील खा रही हो उसमें मैं ना रसम को बड़ा कंपेयर करती हूँ यार, कि रसम अच्छा बना है कि नहीं बना है। बट एज यूजुअल हर बार की तरह नागार्जुना का रसम परफेक्ट बना एकदम जैसा मुझे चाहिए होता है। बस दाल चावल सांबर सब्जी यार एक फुल मील की ना अपनी बात होती है यार, बहुत अच्छा बना है। ए भाई अब मैं वो करने वाला हूँ जो मैंने ज़्यादातर नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में करूँगा, और वो है वेजीज खाना। आई डोंट लाइक वेजीज एट ऑल, लेकिन अब चैनल खोला है, जिम्मेदारी ली है, तो आप लोगों को ये भी दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं? चलिए आइए ट्राई करते हैं। इतनी सारी वेजी तो मैं एक दिन में खाता हूँ, पूरे दिन में जितनी एक कौर में आ रही है। आई एम नॉट अ वेजी पर्सन जैसे मैंने बताया, बट ये मैं खा सकता हूँ। इसमें सबसे बेस्ट बात क्या है पता है? सारी सब्जियों का स्वाद आ रहा है, मसालों का स्वाद काफ़ी इनने कम रखा हुआ है, विच इज़ रियली गुड। जो मस्टर्ड सीड्स हैं उसका स्वाद आ रहा है और सारी सब्जियों का स्वाद आ रहा है। इंडियन मील भी एक इंडियन फैमिली की तरह ही होती है, हर चीज़ एक दूसरे को कवर करती है। इसके जो फ्लेवर्स हैं हल्का सा तीखा कम है बट टेस्टी है, अब वो तीखा यहाँ कवर हो जाएगा। श्री को सब्जियाँ ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन मुझे हैं, बट आई एम स्टिल मिसिंग द फ्राइड वेजिटेबल्स। निशु दाल चावल अचार ट्राई करना बनता है आपका, तो मैं ही करा देता हूँ। रुक जाओ, हम लोग तो खाने में इतना खो गए थे कि हम भूल गए थे कि वीडियो भी बनाना है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो। खाना खत्म, पैसा हजम, है ना? ये सच में एक्चुअली खाना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जितना खाना था उसका आधा बचा ही हुआ है। करेक्ट, है ना? हम लोग का रात का डिनर कभी हो गया है, और पैकेजिंग इतनी अच्छी थी कि हमने उन्हीं डब्बों में पैक करके रख भी दिया। लेकिन ये डेफिनेटली चार लोगों के लिए इनफ क्वांटिटी थी। डेफिनेटली हम जैसे लोगों के, हम तो बहुत कम कम खाते हैं, राइट? और चार लोगों के लिए जो ये मील थी फाइनली उसका हम आपको प्राइस भी बता देते हैं। उसका प्राइस था 485 रुपीज, हमने बस 5 रुपए ज्यादा देके पापड़ एक्स्ट्रा मंगाए थे, और इस हिसाब से तो ये काफी अफोर्डेबल है, राइट? काफी अफोर्डेबल है, 500 रुपीज में अगर आपको मतलब चार लोग आराम से खाना खा सकते हैं आजकल, क्या चाहिए यार। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, सब कुछ अच्छा था एक्सेप्ट यस, अभी तो हाँ बस मीठा ट्राई करना भी बचा है। इसके बिना भी ना ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट मील हो गई है अब तो, आंध्रा मील। चलो आप मीठा खाओ। मीठे में है पायसम, इट्स अ काइंड ऑफ खीर जो जिसमें दूध नहीं डलता है ना, इसमें आई गेस गुड़ रहता है। यूजुअली पायसम उसको बोलते हैं जो जिसमें दूध डलता है, उसको पता नहीं पायसम बोलेंगे कि नहीं, बट दिस इज आई थिंक जैगरी एंड राइस, कोकोनट। अच्छा है, लाइट है, नथिंग स्पेशल, बहुत ज्यादा स्पेशल कुछ नहीं है बताने के लिए, इट्स ओके। घी में बना हुआ है और मे बी एक्वायर्ड टेस्ट होगा, तो शायद हम खीर से कंपेयर करने लगते हैं, है ना? हाँ, हमने एक दो बार खाएंगे तो हमें बहुत और अच्छा लगेगा, बट इट्स नॉट बैड एट ऑल। तुम इसका रेट कार्ड बता दो फिर। मेरे हिसाब से तो मस्ट ट्राई है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। डेफिनेटली मस्ट ट्राई। अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिए। यू नो द ड्रिल। श्रेय इज इन ड्रीम्स नाउ कि अगली मील में कब खाऊंगा। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।